अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमीमास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चिकन पकोड़ा, जो कि बहुत ही मुनफरिद और नायाब सी एक रेसिपी है जो कि पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए रेसिपी को पूरा देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने बोन्स के साथ हाफ के जी चिकन ले लेना है और उसके अंदर हाफ टेबल स्पून और अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करनी है 3 टेबल स्पून। फिर साथ ही हमने इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी का ऐड कर देना है और इसको बॉईल कर लेना है जब तक चिकन गल ना जाए। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस अंदर ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं। फिर हमने इसको बॉईल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये सारा पक चुका है। फिर जब चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए फिर आपने चिकन को अलग कर लेना है और इसके स्टॉक को अलग कर देना है। आपने इसके अंदर स्टॉक थोड़ा सा रखना है, फुल कुक नहीं करना कि इसका स्टॉक ही ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसको अलहदा अलहदा कर लेना है। ये देखिए बोन्स के साथ हमारा चिकन आ चुका है। अब हमने इसको श्रेड कर लेना है। यह है हमारा बचा हुआ चिकन स्टॉक जो कि हमने अलग प्याली में निकाल लेना है। इसके अंदर अब हम अलग से स्पाइसेस ऐड करेंगे। जब चिकन स्टॉक नीम सा गर्म रह जाए फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। जीरा और सूखा धनिया का आप पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करना है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर का ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब ये बॉयल चिकन को हमने श्रेड कर लिया है, इसकी बोन्स अलग कर दी हैं। आपने इसको बिल्कुल ही चूरा नहीं करना, इसके मोटे मोटे से इस तरह से पीस रखने हैं। अब आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर इस तरह से 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं और उसको मोटा मोटा सा इसी तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। इसमें किसी भी चीज़ को चूरा नहीं करना, यानी मैं ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकती थी पर वो नहीं करने। इस तरह से आपने मोटे मोटे पीसीस में ही डालना है और चिकन के पीस भी मोटे ही रखने हैं। ब्रेड को इस तरह से पीसीस में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो बॉयल श्रेड चिकन करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर आपने 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें जो कि चॉप हुई हुई हैं वो डाल देनी है। और फिर उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर दही के ऐड कर देने हैं। कहा था ना ये बहुत मुनफरिद रेसिपी है। तो देखिए अब हमने इसको कर लेना है मिक्स। अब आपने अपने सॉफ्ट से हाथों से इसको सॉफ्टली मिक्स कर लेना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना ताकि ये जो इसके अंदर पीस हैं चिकन के भी और ब्रेड के भी ये टूटे नहीं, इसी तरह से ये रहने चाहिए मोटे मोटे से। ये देखें जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये चिकन के पीस भी और ब्रेड के पीस भी मोटे मोटे सारे ही हैं। अब वापस से चिकन स्टॉक की तरफ आएंगे जिसमें स्पाइसेस ऐड करे थे। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया और 3 टेबलस्पून आपने भरकर इसके अंदर बेसन ऐड करना है। अजवाइन और बेसन आपने लास्ट में ऐड करना है ताकि जब ये अच्छी तरह से चिकन स्टॉक ठंडा हो जाए, गर्म गर्म के अंदर ऐड नहीं करना। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड होगा। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है, ये ज़्यादा पतला मटेरियल नहीं बनना चाहिए। अगर पतला हो तो थोड़ा सा बेसन आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, क्योंकि अभी जब ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो बेसन ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। इस तरह से बस ये इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। दोनों चीज़ों को मिक्स उस वक्त करना है जब आपने इसको फ्राई करना है। इसको काफ़ी देर पहले ही मिक्स करके नहीं रख देना, नहीं तो ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल ही चूरा हो जाएगी अंदर। अब आपने पहले से भी ज़्यादा इसको आराम आराम से मिक्स करना है ताकि ये जो मटेरियल है इसी तरह से मोटा मोटा सा रहे, बिल्कुल मैश ना हो जाए। चिकन स्टॉक वाला जो मटेरियल था उसको मैंने पहले हाफ ऐड किया है और फिर मिक्स किया है और फिर उसके बाद मैं इसको फुल ऐड कर दूंगी और अब इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखें आराम आराम से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसके पकौड़े आराम से बना सकते हैं, ना ही ये खुलेंगे ना टूटेंगे, बस ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकौड़े आपके बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका मटेरियल फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस मटेरियल को भी सेम इसी तरह से रखना है जिस तरह मैंने रखा है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। अब ऑयल को आपने गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, बस लाइट सा गरम होना चाहिए। पहले आपने थोड़ा सा चिकन का मटेरियल उबाल कर चेक कर लेना है कि ऑयल अच्छे से गरम हो गया कि नहीं, ना ही ठंडे तेल में डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म में, बस लाइट सा नॉर्मल होना चाहिए। और फ्लेम इसका मीडियम टू लो होना चाहिए, बिल्कुल दम वाला भी नहीं होना चाहिए लेकिन मीडियम से लो होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो लाइट सा।
ताकि बेसन जो है वो पकोड़ों के अंदर अच्छी तरह से पक जाए आराम से और पकोड़े जले भी ना। अब बिल्कुल लाइट सा आपने इसको कलर देना है। एक साइड अच्छी तरह से आराम से पहले पका लेनी है, फिर उसके बाद इसकी साइड करनी है आपने चेंज, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए और इनको कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने इनका नहीं करना, बिल्कुल लाइट लाइट सा गोल्डन सा कलर रखना है, कलर आ जाए तो निकाल के आपने इस तरह से इसको सर्व करना है। अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़ों को करें इंजॉय। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।